कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले त्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांस श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथं दं दं सजीवं सावदेतम सावधूतम परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्तस्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिभ्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु वदरेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदिनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। आजादुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंबरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो। चैतन्य महाप्रभु की गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की श्री चैतन्य चरितामृतम की श्रीमद्भागवतम की जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की शिल कृष्णदास कविदास गोस्वामी महाराज की हरिनाम संकीर्तन की गौर प्रेमानंद। थैंक यू वेरी मच। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे भागवत क्लास के अंदर। तो आप जानते हैं गौर कथा चल रही है, तो आज हम कल की जो कथा है वो कंटिन्यू करेंगे। कल सुबह हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया की यात्रा के लिए सबसे पहले उनके चार प्रमुख भक्तों से आज्ञा प्राप्त करते हैं, नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और चौथे भक्त का नाम क्या है? नहीं। और उसके बाद वो जाते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के पास, उनसे आज्ञा प्राप्त करते हैं। उनसे आज्ञा प्राप्त करने के बाद वो जाते हैं जगन्नाथ जी से आज्ञा प्राप्त करने के लिए, और जगन्नाथ जी से आज्ञा प्राप्त करके वो अपनी साउथ इंडिया की यात्रा में आगे बढ़ते हैं।
और सबसे पहले वो अलालनाथ जाते हैं, जगन्नाथपुरी से 15 किलोमीटर दूर है, तो सभी भक्त वहाँ पे महाप्रभु के साथ साथ वहाँ तक अलालनाथ तक जाते हैं, और अलालनाथ में भगवान रात को वहीं पे रुक जाते हैं और प्रचंड हरिनाम संकीर्तन करते हैं और सभी लोगों को बहुत नचाते हैं कृष्ण प्रेम के अंदर। और इस प्रकार से पूरा अलालनाथ का जो वातावरण था वो हरिनाम से गूंज गया था, भर गया था। तो नित्यानंद प्रभु ने आगाही की, भविष्यवाणी की कि ऐसा ही प्रचंड नृत्य और कीर्तन अब गांव गांव के अंदर होने वाला है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया की यात्रा जा रहे थे, क्योंकि उनको प्रचार करना था, है ना, हरिनाम का प्रचार करना था। तो हम देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य प्रचार करना था, और प्रचार के लिए वो साउथ इंडिया गए, तो उनकी प्रचार की जो मुख्य टेक्निक क्या थी, क्या टेक्निक थी, वो आज हम देखेंगे, है ना। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे एक प्रचार का प्रचार सफल होता है ना, कैसे प्रचार करते थे महाप्रभु, है ना। और उसी पद चिन्हों पर चल के हम सभी भक्तों को भी प्रचार करना चाहिए, है कि नहीं। तो हम जब महाप्रभु सभी भक्त दुखी होते हैं तो महाप्रभु बिना पीछे देखे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो हम श्लोक संख्या 96 तक पढ़े थे कल। महाप्रभु एक प्रार्थना करते करते जाते हैं, वो प्रार्थना कौन सी करते हैं महाप्रभु, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 रक्षमा पाही माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। ये गाते गाते महाप्रभु अपनी साउथ यात्रा में चलते हैं, और उनके साथ उनका एक सर्वेंट होता है जिसका नाम था कृष्णा दास। तो केवल दो जनी साउथ यात्रा की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही महाप्रभु आगे बढ़ते हैं तो ये श्लोक पढ़ते पढ़ते आगे जब पढ़ते हैं तो लोग रास्ते में क्या कहते हैं, हरी हरी कहते हैं। तो वही प्रचार अब कैसे शुरू करते हैं महाप्रभु, उसका वर्णन आज हम यहाँ पे आपको चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 7वें अध्याय के शीर्षक है महाप्रभु द्वारा दक्षिण भारत की यात्रा, उसमें हम देखेंगे। श्लोक संख्या 97 आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओके। श्लोक परिपाठ चलीला गौर हरि, लोक देखी पते काहे बल हरि हरि। बोले श्लोक प्रेम माता हया बल हरि हंस कबूरा पचे संग याय दर्शन सतुष्णा। क्षण रही प्रभु तारे आलिंगिया, विदाय करिल तारे सकति संचरिया। तारे आलिंगिया विदाय करिल तोरे शक्ति संचारिया, से जा
नाचे अनुक्षाण निज ग्रामे करियागमान कृष्ण बलि हंसे गांदे नाचे अनुक्षाण प्यारे देखे तारे कहे कह कृष्ण नामा विष्णु कैला सब निज ग्रामा का कृष्ण नामा तै मात विष्णु कैला सब निज ग्रामांतर ते देखी ते आयला तार दस कृपाय तार आई ग्रामे लोक वैष्णव कदाया अन्य ग्रामी हसी तारे देखी वैष्णव आया अन्य ग्रामी हसी तारे देखी वैष्णव से आई आर ग्राम करे उपदेश हे मात वैष्णव हैला सब दक्षिण देश सब दक्षिण देशा। तो इस श्लोक का यानी कृष्ण 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 है, इस श्लोक का कीर्तन करते हुए गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मार्ग पर चले जा रहे थे। एक कीर्तन करते करते नगर भ्रमण करते करते चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। जब वे किसी को देखते तो वे उससे अनुरोध करते कि हरी हरी बोलो। क्या बोलो? हरी हरी। जो कोई श्री श्री चैतन्य महाप्रभु को हरी हरी बोलते सुनता वह भी हरी हरी और कृष्ण के नामों का उच्चारण करने लगता। इस तरह वे सब महाप्रभु का दर्शन पाने की उत्सुकता से उनके पीछे पीछे चलने लगते। कुछ समय बाद महाप्रभु उन लोगों का आलिंगन करते और उन्हें आध्यात्मिक शक्ति से ओत प्रोत करने के बाद घर वापस जाने के लिए कहते। इस प्रकार शक्ति को पाकर हर व्यक्ति कृष्ण नाम का कीर्तन करता और कभी हंसता, कभी रोता, कभी नाचता हुआ अपने घर को लौटता। इस प्रकार शक्ति प्राप्त व्यक्ति जिस किसी को देखता उसी से प्रार्थना करता कि वह कृष्ण नाम का उच्चारण करे। इस सारे गांव वाले भी भगवान के भक्त बन जाते। ऐसे शक्ति प्राप्त गांव के लोगों का दर्शन करने मात्र से और विभिन्न गांव के लोग जो उन्हें देखने आते उनकी कृपा दृष्टि से उन्हीं के समान वैष्णव बन जाते। जब शक्ति से संचारित ये सभी लोग अपने अपने गांव को लौटते तो उन्होंने भी दूसरों को भक्त बना लिया। जब और लोग विभिन्न गांवों से इन्हें देखने आए तो वे भी भक्त बन गए।
इस प्रकार जैसे जैसे वे सारे शक्ति प्राप्त लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने लगे, वैसे वैसे दक्षिण भारत के सारे लोग भक्त बन गए। हाँ, ए मत वैष्णव हैला सब दक्षिण देश। देखिए कौन बताएगा क्या प्रीचिंग स्ट्रेटेजी था, टेक्निक क्या अपना है महाप्रभु ने, कौन बताएंगे? आपने कौन बताएगा? इतना पढ़ा आपको समझ में नहीं है, किसी को समझ में नहीं है? समझ में आया ना मैं जो पढ़ा हूं? तो कैसे महाप्रभु सबको भक्त बनाते थे और वो भक्त औरों को कैसे भक्त बनाते थे, पूरे गांव वालों को भक्त बनाते थे, कैसे बनाते थे? बोलो बोलो। हाँ, कैसे? हरिनाम संकीर्तन से। वेरी गुड। और क्या समझे इस 5-7 श्लोकों से? और कुछ बताना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे? हाँ, ट्रैवलिंग संकीर्तन करते थे, वन विलेज टू वन विलेज। हाँ, वेरी गुड। और महाप्रभु भक्तों से प्रेम करते थे, आलिंगन करके उनको शक्ति संचारित कर देते थे। और जो शक्ति संचारित होता वो किसी को आलिंगन करता तो वो भी शक्ति संचारित हो जाता है, है ना? तो हम देखते हैं कि पूरी साउथ, पूरे दक्षिण देश को, साउथ इंडिया को महाप्रभु ने इस प्रकार से क्या किया, भक्त बना दिया, है ना? तो हमें भी महाप्रभु के पद पे चिन्हों पर चलना चाहिए, है ना? घर घर जाके, गांव गांव जाके क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हरिनाम करना चाहिए, तभी उद्धार होगा। किसका? हमारा और औरों का, है ना? हमारा और औरों का उद्धार होगा। देखिए महाप्रभु अकेले थे, कोई बोले प्रभु जी इस संकीर्तन में औरों को इंटरेस्ट नहीं आता है, हम दो जन हैं, चार जन हैं, क्या करेंगे? महाप्रभु तो अकेले थे। कैसे थे? अकेले थे। तो जब कोई भक्त प्रयास करता है हरिनाम करने का, तो भगवान क्या करते हैं, उसको शक्ति संचारित करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ गांव वालों को शक्ति संचारित किया, उसी प्रकार आज की तारीख में भी अगर हम में से कोई प्रयास करता है महाप्रभु के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का, तो महाप्रभु उसको क्या करते हैं, शक्ति संचारित करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पे आया हूँ लोगों का उद्धार करने के लिए, लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? हाँ, मेरे हाथ दो हाथ है, मैं फलों को, फूलों को, ये भक्ति के फल फूलों को मैं बांटना चाहता हूँ, लेकिन मैं मेरे दो हाथों से कितने लोगों तक जा पाऊँगा, कितने लोगों को बांट पाऊँगा? तो महाप्रभु प्रार्थना करते हैं हम सबसे, क्या आप लोग आइए और इस भक्ति के फलों को, फूलों को चखिए, और चखने के बाद औरों को आप दीजिए, है ना? मैं अकेला माली कैसे काम कर पाऊँगा, है ना? और भी मुझे क्या चाहिए, माली चाहिए। आप समझे? जो भक्त इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध उद्देश्य को समझकर प्रचार में जुड़ता है, वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा के पात्र बनता है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि आजकल हम देखते हैं कि हरिनाम में किसी को रुचि नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम करके ही तो भक्त बनाए, और हम चैतन्य महाप्रभु से कुछ अलग करके भक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होंगी? नहीं होंगी। भक्तिदान सरस्वती ठाकुर कहते थे कि बृहद मृदंग, कि हम बैठ के जो मृदंग बजाते हैं, हाँ, उसकी आवाज़ तो ये मंदिर के हॉल तक सीमित रहती है, लेकिन जब बाहर जाके हरिनाम करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, तो वो
आवाज दूर दूर तक जाती है, दुनिया के कोई भी कोने में जा सकती है, और इसको कहते हैं बृहत मृदंग। तो प्रभुपाद जी ने हमें हरिनाम के साथ क्या दिया, पुस्तकें दी। तो अगर हम ये हरिनाम और पुस्तक को आधार करके प्रचार करेंगे तो हमें प्रचार में बहुत आसानी से जल्दी से, आप देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि प्रचार की सफलता कैसे प्राप्त हुई, आसानी से प्राप्त हुई। आप देख रहे हो ना, आसानी से भक्त लोग बन रहे थे, नो मोर एफर्ट्स, इजीली पीपल्स आर बिकमिंग डिवोटीज। वैष्णव मंदिर पूरा दक्षिण में क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी और इजीली, हाँ पूरे दक्षिण देश को अगर कवर करना होगा तो आपको कितना समय लगेगा। आप उन्हें कुछ दिनों की यात्रा में दक्षिण में हजारों लाखों करोड़ों लोगों को भक्त बना दिया, आप समझे। आप लोग मिलके अगर इस प्रकार से प्रचार करोगे, हरिनाम करोगे, तो पूरा विश्व शायद एक साल के अंदर तो पूरा वर्ल्ड क्या हो जाएगा, एक ऑस्ट्रेलिया जाए, एक अमेरिका जाए, एक लंदन जाए, प्रभुपाद जैसे भक्तों को भेज सकते, वहाँ जाके क्या करना है, हरिनाम करना है कि नहीं, पूरा पूरा देश हो जाएगा। इतनी शक्ति किसके अंदर है, हरिनाम संकीर्तन के अंदर है, जो चैतन्य प्रभुपाद स्वयं हमें बतला रहे हैं, है कि नहीं। तो हमें सीखना चाहिए, है ना, हमें भ्रम में रहना नहीं चाहिए कि हरिनाम संकीर्तन से क्या होगा, इससे ही जो होगा वो होगा, यही मुख्य चीज़ है, बाकी सब भ्रम है। क्या है, बाकी सब इल्यूजन है। दिस इज द रियल थिंग विच लिबरेट अस एंड विच लिबरेट अधर, राइट। इस प्रकार से लोगों का उद्धार किया। फिर आगे महाप्रभु अन्यों को किस तरह शक्ति प्रदान करते हैं उसे केवल ही केवल वही समझ सकता है जो वास्तव में भगवत भक्त है और जिसे उनकी कृपा प्राप्त हो चुकी है। जो व्यक्ति महाप्रभु की असामान्य दिव्य लीलाओं में विश्वास नहीं करता उसका इस लोक और परलोक दोनों में विनाश हो जाता है। देखिए, इफ यू डू नॉट कीप योर फेथ इन चैतन्य महाप्रभु मोमेंट, महाप्रभु पास टाइम, तो क्या होगा, अवलोकिक लीला यार नाया विश्वास इह लोक पर लोक ताराय नास प्रथमे कैला प्रभु राय रूपे गमन मात जानी यावत दक्षिण मात आयते आयते केला कुर्बस्ताने कुर्मा देखी कैला तारे स्तवना प्रणामे प्रेमावे से हसी कांदी नित्य गीत कैल देखी सर्व लोके चीते चमत्कार भैल आश्चर्य सुनिया लोक अल देगी बारे प्रभु रूप प्रेम देगी हेला चमत्कार सदे वैष्णवाइला भले कृष्णारी प्रेमावे से नाचे लोक उद्वाहुकारी कृष्ण नाम लोक मोके सुनिया विराम से लोक वैष्णव कैला हे माता परम पर देश वैष्णवैला कृष्ण नाम अमृत वंद्या देश वासा प्रदक्षिण प्रभु यदि भय प्रकाशीला गुरु मेरा
सेवक सम्मान करीना सामान्य दिव्य लीलाओं में विश्वास नहीं करता, इस लोक परलोक दोनों में विनाश हो जाता है। इतनी शक्ति है भगवान के हरिनाम के संकीर्तन के अंदर। अब कोई ऐसा सोचता है क्या होगा हरिनाम संकीर्तन से, क्या होगा पुस्तक वितरण से, कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा इस लोक में न परलोक में, दोनों जगह तुम्हारा तो सर्वनाश निश्चित। मैंने पहले महाप्रभु के गमन के विषय में जो कुछ कहा है उसे महाप्रभु की दक्षिण भारत की पूरी यात्रा की अवधि पर लागू समझना चाहिए। कृष्णदास कविदास गोस्वामी कहते हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने टीचिंग स्ट्रेटेजी दिखाई, जो मैंने वर्णन किया, वो पूरे दक्षिण भारत में उन्होंने सेम वे से क्या किया, प्रचार किया, लोगों को कृष्ण भक्त वैष्णव बनाया। कैसे किया, कैसे किया, कैसे किया, हरिनाम संकीर्तन से, है ना। जब महाप्रभु कुरुक्षेत्र नामक तीर्थ स्थान में पहुंचे तो उन्होंने अर्चा विग्रह का दर्शन किया, स्तुति की तथा प्रणाम किया। जब तक महाप्रभु इस स्थान पर रहे, कुर्मदेव का वहाँ पे मंदिर है, तो इस स्थान पर प्रभु रहे, वे यथावत अपने भगवत प्रेम के भावावेश में रहे। और भगवत भावावेश में क्या करते, वो हंसते रोते नाचते और कीर्तन करते। देखिए, यानी हंसना नाचना गाना, यही भगवत प्रेम का भावावेश है। व्हाट पॉइंट, भगवत प्रेम के भावावेश में व्यक्ति सबसे उच्च अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, केवल हरिनाम संकीर्तन करता है, नाचता है गाता है तो और कुछ नहीं करता, केवल। इन अद्भुत घटनाओं को सुन सुन कर लोग वहाँ उनके दर्शन करने आते, और जब वो महाप्रभु का सौंदर्य उनकी भाव दशा देखते तो वे आश्चर्यचकित रह जाते, और महाप्रभु के दर्शन मात्र से लोग भक्त बन जाते। महाप्रभु ऐसा हरिनाम करते कि केवल देखने मात्र से, वो नाच रहे गा रहे रो रहे भगवान, तो उनको जो देखता वो भक्त बन जाता, इतना प्योरिटी था। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि प्रीचिंग इज एसेंस, तो महाप्रभु प्रचार के लिए निकले, लेकिन प्रचार किस आधार पर होना चाहिए, बुक्स आर द बेसिस, पुस्तक और हरिनाम के आधार पर प्रचार होना चाहिए, और प्रचार की सफलता शुद्धता से आएगी, प्योरिटी इज फोर्स। तो देखिए यहाँ पे महाप्रभु की प्योरिटी इतनी थी, भगवान थे वो, तो प्योरिटी की बात नहीं कर सकते उनको, वो तो अर्जुन गीता में कहते हैं ना कि आप परम पवित्र हो, कैसे हो, परम पवित्र। यहाँ महाप्रभु को केवल देखने मात्र से, कीर्तन करते देखने मात्र से लोग भक्त बन जाते थे, कुछ और नहीं कहना पड़ता था उनको। वे कृष्ण हरि समस्त पवित्र नामों का कीर्तन करने लगते हैं, तुरंत कीर्तन शुरू। वे सभी प्रेम आवेश में मग्न होकर अपने हाथ ऊपर उठा उठा कर नाचने लगते, तुरंत प्रेम आवेश में आ जाते, दोनों हाथ उठा के लोग क्या करते, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन शुरू हो जाते। उन्हें सदैव भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करते सुनकर दूसरे सभी गांव के लोग भी वैष्णव बन जाते। कृष्ण का पवित्र नाम सुन सुनकर सारा देश वैष्णव बन गया, ऐसा प्रतीत होता था मानो कृष्ण के पवित्र नाम के अमृत ने संपूर्ण देश को आप्लावित कर दिया।
है ना। भगवान के नाम ने क्या किया, पूरे समग्र देश को अप्लावित कर दिया, है ना। जैसे कोई पानी होता है कोई चीज़ को पूरा घिला कर देता है ना कपड़े को, ऐसे दक्षिण देश को पूरा कृष्ण के नाम ने भिगो दिया, नथिंग ड्राइंग। तो हरिनाम के अंदर क्या होता है, भाव प्रेम आनंद आता है। अगर हम हरिनाम नहीं करते तो हमारी भक्ति धीरे धीरे शुष्क हो जाती है, शुष्क हो जाती है। हमारा आनंद भक्ति के अंदर, उत्साह भक्ति के अंदर, धैर्य, ये सब कुछ कम होने लगता है। फिर हमें धीरे धीरे घर की याद आती है, परिवार की याद आती है, हाँ मम्मी याद आती है, पापा याद आते हैं, हैं ये वो याद आते हैं, हैं। फिर धीरे धीरे घर जाना शुरू कर देते हैं ज़्यादा, पहले एक दिन रुकते थे, पहले नहीं जाते थे, फिर एक दिन, दो दिन, फिर तीन दिन रुकते हैं, ये है वो है, क्योंकि हमें हरिनाम में आनंद नहीं है। इसलिए परिवार में आनंद लेना, फिर व्यक्ति धीरे धीरे हरि बोल हो जाता है। क्या हो जाता है, हरि बोल हो जाता है, हाँ ऐसा ही होता है। हरिनाम नहीं करते इसलिए ब्रह्मचारी घर जाते हैं, हरिनाम करते हैं तो क्यों घर जाएंगे, क्यों उनको घर की याद आएगी, ये संसार की याद क्यों आएंगे मुझे बताइए, बिल्कुल नहीं आएंगे। कुछ समय बाद जब महाप्रभु ने बाह्य चेतना दिखलाई तो कुरुमदेव के एक पुजारी ने उन्हें विविध भेंटें दी। महाप्रभु के प्रचार विधि का वर्णन देखिए, यू सी, आपको लगता होगा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ए ग्रामे आयतः ए व्यवहार एकठाई कही ल ना कही बार बार। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते अनुवाद में, श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रचार विधि, दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ स्पीचिंग स्ट्रेटेजी है ये चैतन्य महाप्रभु की, क्या थी, किसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ और मैं उसे फिर से नहीं दोहराऊंगा। महाप्रभु जिस किसी गांव में जाते उनका व्यवहार वैसा ही होता। ऐसा नहीं कि गांव के अंदर, एक गांव के अंदर मूर्ख लोग हैं तो इनको हरिनाम कराया, अच्छा दूसरे गांव के अंदर बहुत बुद्धिशाली लोग हैं, हाँ वेद अध्ययन करते हैं तो उनको महाप्रभु बैठ के लेक्चर देंगे, नहीं वहाँ पे भी क्या कराया, हरिनाम कराया। जो भी क्लास ऑफ ड्यूटी है हाँ उसको क्या करवाना है, हरिनाम। हरिनाम से व्यक्ति आकर्षित होता है। कई बार हम प्रचार में ऐसा सोचते हैं, प्रभु जी ये तो IIT है, NIT है, यहाँ हरे कृष्ण नहीं बोलने का, हरे कृष्ण नहीं बोलने का, हाँ नहीं महाप्रभु ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाते नहीं थे, सीधा हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण और हरे कृष्ण। वो फोर्स आता है कब, जब हमारे अंदर प्योरिटी होती है, प्योरिटी नहीं है तो इधर उधर उधर हाथ पैर मारने पड़ते हैं, मंगला नहीं करेंगे, माला नहीं करेंगे, ध्यान पूर्वक भागवत का क्लास लिया, पठन पाठन करेंगे, हरिनाम नहीं करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग स्ट्रेटेजी हमको अपनानी होगी, है ना, उसके अंदर उलझे रहेंगे, उलझे जाएंगे। सीधा सुंदर अपना प्योरिटी रखो, शुद्ध भाव रखो, भगवान को प्रार्थना करो, प्रभुपाद को प्रणाम करके हरिनाम में निकलो। IIT IIM बड़ी बड़ी संस्था के लोग भी, पढ़े लिखे के लोग भी यूं भक्त बन जाएंगे, आप समझे, यूं भक्त बन जाएंगे। बट फॉर दैट यू नीड प्योरिटी एंड द बेसिस आर द बुक्स, है ना। प्रभुपाद कहते थे तुम्हारे 2 मिनट के लेक्चर की क्या वैल्यू है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर 2 मिनट लेक्चर, हाँ तुम्हारे लेक्चर से किसी का कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, लेकिन लेक्चर के बाद वो किताब लेंगे और वो किताब पढ़ेंगे तो क्या होगा, उनका उद्धार होगा। तो ये हमें फंडामेंटल चीज़ें हमारे माइंड में हमेशा रखनी चाहिए कि हरिनाम और बुक डिस्ट्रीब्यूशन से ही सही प्रचार प्राप्त हो सकता है, वरना तो हम क्या होंगे, प्रचार नहीं, प्रचार के नाम पे कुछ और करते होंगे, ना ही हमें आनंद आएगा और उस आनंद नहीं आने की वजह से क्या होगा, पूरा ड्राई हो जाएगा, फिर हरिबोल हो जाएगा। कम से कम भक्तों को रोज 2-3 घंटा हरिनाम करना चाहिए, है ना। मंदिर में भी नहीं नाचते भक्त लोग, 2-5 मिनट नाचते हैं, फिर इधर जाएंगे उधर जाएंगे, पानी पीने जाएंगे, माला करने बैठे हैं 2-5-10-15 मिनट माला बैठे बैठे की,
फिर इधर घूमेंगे ना उधर घूमेंगे ना फलाना जाएंगे ना, अरे क्या है, बैठ के शांति से ध्यान पूर्वक जप करो, हरिनाम में नाचो कूदो ध्यान से, और प्रसाद पाओ, प्रसाद पा के जाओ 8 घंटा हरिनाम करने, शाम को आओ प्रसाद पाओ फिर सो जाओ, हो गया आपका काम पूरा, है कि नहीं। हजारों हजारों लोग भक्त बन जाएंगे, आपको मालूम नहीं है, ये मंदिर भर जाएगा, मंदिर कम पड़ेगा, क्या मंदिर कम पड़ेगा, आप समझ गए ना कहने का लोग। तो ये महाप्रभु की प्रचार विधि देखिए, यहाँ कृष्णदास कविदास गोस्वामी बता रहे हैं, प्रभुपाद जी भी उसको प्रचार विधि बता रहे, दिस इज द प्रीचिंग स्ट्रेटेजी। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए है ना, तो कोई सुनने नहीं वाला था, 1 साल तक तो कोई सुना नहीं प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में एक गार्डन था, वहाँ जाके बैठ के करताल लेके कीर्तन करते थे, हरे कृष्ण गाते थे, और आसपास में जब लोग गुजरते थे वो थोड़ा सुनते थे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, तो कईयों को वो हरिनाम क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। फिर 2 लोग 4 लोग इकट्ठा होने लगे और फिर वहाँ पे प्रभुपाद जी कीर्तन करवाते थे, पूरा टॉमकिंग स्क्वायर पार्ट फिर धीरे धीरे भर गया, और प्रभुपाद जी जम के खुद भी नाचते थे और सबको कीर्तन करवाते। उसके बाद फिर उनको क्या किया, प्रसाद खिलाया, प्रसाद खिलाने के बाद फिर गीता बताई। अरे कईयों को तो दीक्षा देने के समय पे 4 नियम का पालन भी नहीं मालूम था, सोचिए प्रभुपाद जी कुछ हरिनाम ही करवाते थे, हरिनाम करते 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 इतना शुद्ध हो गए प्रसाद खा खा के, हाँ क्या, फिर जब दीक्षा हुई थी बोले अब 4 नियम नहीं करना है, तो दे आर रेडी, ओके हम नहीं कल से ये 4 चीज नहीं करेंगे, तो प्रभुपाद जी इतना शुद्ध कर दिया था उनको हमने। तो दिस इज द पावर ऑफ हरिनाम। कोई भी स्थान पे जाओ, प्रभुपाद जी ने जब लंदन भेजे, अलग अलग शहरों में लोगों को भेजे, देश में भेजे, तो वहाँ पे 2-3 भक्त जाके सबसे पहले क्या करते थे, हरिनाम करते थे, क्या करते थे, हरिनाम करते, और हरिनाम की वजह से उनको स्थान मिल जाता, एक सेंटर बना देते थे, वहाँ प्रचार शुरू कर देते थे, है ना। हम प्रचार की शुरुआत हरिनाम से करते हैं और हरिनाम से हमें सफलता प्राप्त होती है, और फिर बाद में वही हरिनाम को हम भूल जाते हैं, आप समझे। वी स्टार्ट अवर लाइफ, अवर प्रीचिंग लाइफ, अवर डिवोशनल सर्विस, जैसे आप लोग इसमें से कई लोग प्रचारक हैं, है ना, जैसे आप कोई भी प्रोग्राम करते हो है ना, तो उसमें आप कीर्तन करवाओगे, फिर लेक्चर दोगे, फिर आप प्रसाद खिलाओगे, बराबर है, ड्रामा वामा कराओगे, फिर आप फीडबैक लेना, फीडबैक में आप पूछना क्या आपको सबसे ज़्यादा इस प्रोग्राम में क्या पसंद आया, आप लोग भी जब नए नए आए थे तो आप लोगों को क्या पसंद आया था, सबसे पहले क्या पसंद आया, कीर्तन और प्रसाद, 2 चीज, उसकी वजह से फिर अंदर आए बाकी। तो कीर्तन और प्रसाद ये जो चीज़ है वो लोगों को तुरंत ही सबके हृदय को छू लेती है, क्योंकि भगवान का नाम है, हम सभी भगवान के अंश हैं, जो भी कृष्ण बोलता है तुरंत उसका कनेक्शन कृष्ण के साथ बैठ जाता है, क्योंकि भगवान ने उनकी समस्त शक्तियाँ नाम में डाल दी। बड़े विश्वास हमें होना चाहिए, कृष्णदास कविदास बोलते हैं कि विश्वास नहीं है तो इस लोग और पल लोग कोई उद्धार नहीं होने वाला है। कम से कम रोज भक्तों को 2-3 घंटा हरिनाम करना चाहिए, यहाँ ज़्यादा नहीं है, 2-3 जन हैं तो भी निकल पड़ो, भजन करताल लेके रोड पे जाओ ना, सोसाइटी में जाओ, जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ, काकरिया जाओ, लॉ गार्डन जाओ, जहाँ घूमने की इच्छा होती है ना वहाँ जाके हरिनाम कर लेने का। तो मुझे रिवर फ्रंट देखना है तो चलो रिवर फ्रंट पे हरिनाम कर लेते हैं, तो रिवर फ्रंट भी देख लिया और हरिनाम भी हो गया, है कि नहीं, है कि नहीं। तो लाइक दैट भाई, चलो अयोध्या रामलला के दर्शन करते हैं तो चलो हरिनाम निकालते हैं, अयोध्या तक चलते हैं हरिनाम करते करते महाप्रभु की तरह पदयात्रा निकालते हैं, है कि नहीं, रस्ते में कई स्थानों का दर्शन करते करते अयोध्या रामलला के दर्शन करके फिर वापस आ जाए, सिंपल है ना। 2-3 भक्त हो तो भी शुरू कर सकते हैं, आप समझ गए, फेथ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फेथ होना चाहिए हमारे अंदर, दैट्स ऑल।
एक गांव में कुर्म नाम का एक वैदिक ब्राह्मण था। उससे बड़े ही सत्कार और भक्ति से महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित किया। महाप्रभु को अपने घर ले आया, उसके चरण कमल धोए और उस जल को परिवार सहित पिया। है ना, देखिए भगवान के पाद प्रक्षालन करके वैष्णवों की जो पाद प्रक्षालन होता है वो बहुत ही भक्तों के लिए एक धन होता है। और दूसरा वैष्णवों का उच्छिष प्रसाद, वैष्णवों का पाद प्रक्षालन हो गया, उच्छिष प्रसाद हो गया, उनके चरणों की धूल है ना, उनके चरणों की धूल और तीन चीज, और चौथी चीज है उनकी वाणी है ना, उनका उपदेश। हाँ, इससे क्या होता है, हमारा तुरंत जल्दी से उद्धार हो सकता है ना। त्याग कुर्म ब्राह्मण ने महाप्रभु के पाद प्रक्षालन करवाए और वही जल को उन्होंने क्या किया, ये क्योंकि तो चरणामृत है, चरण का अमृत, उसी चरण से जहाँ से गंगा बहती है ना, उसी चरण को स्नान करवा के कुर्म ब्राह्मण ने क्या किया, आचमन किया। उस कुर्म ब्राह्मण ने महाप्रभु को बड़े स्नेह और आदर से सभी प्रकार का भोजन कराया और बाद में जो बचा उसे परिवार के सारे सदस्यों में बेच दिया। उचित या उचित प्रसाद। फिर उस ब्राह्मण ने प्रार्थना शुरू की, हे प्रभु, आपके जिन कमल चरण कमलों का ध्यान ब्रह्मा जी करते हैं वही चरण कमल मेरे घर में पधार रहे हैं। है ना, ए पाद पद्मा तो ब्रह्मा ध्यान करे, से पाद पद्मा साक्षम आई मोरा करे, मोरा भागे सीमा नाया काना आई मोरष्टाध्याय जन्म कूला कृपा कर प्रभु मोरे या तो मार संते सही ते न पारी दुख विसाया कर। उस ब्राह्मण ने प्रार्थना की, क्या आपके चरण कमलों का ध्यान ब्रह्मा करते हैं वो चरण कमल आज मेरे घर में पधारे हैं, मेरे भाग्य की कोई सीमा नहीं है, इसका वर्णन किया नहीं जा सकता, आज मेरा परिवार, मेरा जन्म, मेरा धन सभी धन्य हो गया। शिशु गौर मिताई की राधा गोविंद देव की सिनाजी गोपाल जी सीताराम लक्ष्मण मान जी शिशि गोपाल की। उस ब्राह्मण ने महाप्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें और मुझे अपने साथ चलने दें, मैं अब और अधिक समय तक भौतिक जीवन से उत्पन्न दुख की लहरों को सहन नहीं कर सकता, हाँ मुझे फुल टाइम ज्वाइन होना है। क्या बोल दिया कुर्म ब्राह्मण ने, अब मैं आपके साथ फुल टाइम ज्वाइन होना चाहता हूँ, इस संसार में भौतिकता में मैं रहना नहीं चाहता। तो महाप्रभु ने क्या कहा, प्रभु काहे जे बात कबु ना कहिबा, गृह दाइ कृष्ण नाम निरंकर लेबा, आवे देखा तारे का कृष्ण उपदेश, पथे
कहा फुल टाइम ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है। तो अब फिर से ऐसा मत कहना, अच्छा यही होगा कि तुम घर पर रहो और सदैव कृष्ण का नाम का जप करो और लोगों को की करवाओ। और मैंने क्या कहा, मेरे साथ चल पड़ोगे ठीक है आ जाओ, लेकिन यहाँ रहोगे तो क्या होगा, जारे देखे तारे कह कृष्णा उपदेश। अरे यहाँ रहो और हरेक को उपदेश दो कि वह भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करे, इस तरह गुरु बनो और इस देश के हर व्यक्ति का उद्धार करने का प्रयास करो। तो मनुष्य अपने घर पर सुखपूर्वक रह सकता है, हम तो हर एक से इतना ही अनुरोध करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 का जप करें। यदि वह कुछ पढ़ना जानता है तो गीता भागवत पढ़ सकता है तो और भी अच्छा है। प्रभुपाद बोले मैं तो उतना बोलता हूँ हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, और कुछ पढ़ना जानता है और चाहता है बोले पढ़ू तो ठीक है गीता भागवत पढ़ो, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखिए भगवान के नाम से भगवान के गुण, भगवान की रूप, भगवान की लीला प्रकट होती है। आप समझे, हम भगवान के उपदेश और भगवान की लीला कहाँ पढ़ते हैं, गीता भागवत में पढ़ते हैं। वही भगवान की लीला, वही उपदेश हमारे जीवन में प्रकट होता है अगर हम ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का जप और कीर्तन करते हैं श्रद्धा से। तो वो नाम के अंदर शक्ति है कि वो नाम से भगवान का रूप भी प्रकट होगा, भगवान की लीलाएं भी प्रकट होगी, भगवान के गुण भी, भगवान का धाम भी उस नाम से प्रकट होता है। तो स्टार्ट विथ बिगिनिंग। हमारा जो आध्यात्मिक जगत है पूरा, ये भौतिक संसार से तीन गुना बना है। वो तीन गुना बड़ा आध्यात्मिक संसार हमारे इस माला के अंदर रहा है। किसके अंदर है, इस माला के अंदर। द होल स्पिरिचुअल वर्ल्ड विल मैनिफेस्ट फ्रॉम दिस माला, दिस झोली। ये झोली के अंदर क्या है, आध्यात्मिक जगत है। ऐसे देखिए आप, आपको दिखेगा आध्यात्मिक जगत। जैसे भगवान कृष्ण के मुख में यशोदा ने पूरा ब्रह्मांड देखा था, ऐसे इस झोली के अंदर क्या दिखता है, पूरा आध्यात्मिक जगत दिखता है। भगवान दिखेंगे आपको, भगवान की लीला रूप गुण सब दिखेगा, है ना। लेकिन इधर देखना पड़ेगा, झोली में हाथ डाल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम निरंतर कृष्ण का नाम का जप करना पड़ेगा, तब सब कुछ दिखेगा। आप समझे, सब कुछ दिखेगा। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, सब शक्तियाँ नाम में डाल दिए। ऐसा नहीं कि अभी बॉडी बिल्डिंग बन जाएगी हमारी सिद्धि प्राप्त, अरे सब तो साइड की बात है, सब सिद्धि सब शक्तियाँ इसके अंदर है। इससे आप सब कुछ देख सकते हो, आध्यात्मिक जगत को भी देख सकते हो, भगवान को भी देख सकते हो, भगवान की लीलाओं को देख सकते हो, भगवान को भी देख सकते हो, भगवान के भक्तों को देख सकते हो, सबको देख सकते हो। इतनी शक्ति किसमें है, हरे कृष्ण महामंत्र में, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा कीर्तन करना। कितने लोग हरिनाम संकीर्तन जाते हैं इसमें से, हर रोज कौन कौन जाता है हरिनाम संकीर्तन में, कोई नहीं। माता जी जाते हैं, देखो माता जी हर रोज हरिनाम संकीर्तन में जाते हैं। हरि बोल माता जी के लिए एक बार हरि बोल बोलिए, हरि बोल। हाँ हम बहुत दुर्भाग्यशाली हैं कि सब जानते हुए भी हम जा नहीं रहे हैं, है ना। हम तो नहीं जा रहे हैं, हाँ हम तो जा नहीं रहे हैं, और किसी और को प्रेरणा भी नहीं दे रहे हैं। आप समझ गए ना कहने का मतलब। महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र एक व्यक्ति को करवाया, उसने भी जाके दूसरों को क्या करवाया, हरे कृष्ण महामंत्र। अगर वो व्यक्ति नहीं करवाता तो दूसरे आगे गांव वाले कहते नहीं करते। आप समझे,
इसलिए अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे आगे भी कोई नहीं करेगा, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ कि ठीक है प्रभु जी, ठीक है मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं भगवत धर्म में हूँ। अरे मूर्ख, तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे पीछे और कोई नहीं करेगा, आप समझे। तो जब हम पैदा होते हैं ना, हम पैदा तो 6 ऋण लेके पैदा होते हैं इस संसार में। हाँ, कौन सा ऋण है कौन बताएगा? देयर इज 6 टाइप ऑफ डेब्ट्स व्हेन वी टेक बर्थ, तो 6 ऋण सीधे लग जाते हैं। मतलब मैं तो अभी पैदा हुआ हूँ, किसी से कुछ लिया नहीं है, तो मेरे को 6 प्रकार के ऋण कैसे लग गए? यस प्रभु बताओ। देवी देवताओं का ऋण, ऋषि मुनियों का ऋण, फोर फादर्स का, पूर्वजों का ऋण, अन्य देवों का, माता पिता का ऋण, हाँ और कौन सा रह गया? धरती का ऋण। तो इस प्रकार इतने सारे ऋण हम जन्म के साथ ही लग जाते हैं। आप ऐसा मत सोचो कि अभी तो मैं पैदा हुआ हूँ, हाँ मैंने किसी से कुछ लिया ही नहीं है, तो ऋण कैसे लगेंगे? नहीं, लग जाते हैं, जिसको आपको अदा करना पड़ता है ना। उसी तरह वो सब ऋण जब हम भक्त बनते हैं तो माफ़ हो जाते हैं। तो हरे कृष्ण मंत्र जब करता है तो धरती का, माता पिता का ऋण, ऋषि मुनियों, देवी देवता का, सबका ऋण समाप्त हो जाता है, उसको कोई और ऋण नहीं लगता। लेकिन उसके बाद उसको एक ऋण लग जाता है, क्या? जारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु यह तारे ही दे, ये ऋण लग जाता है। ये हमारी जिम्मेदारी है। इट इज़ नॉट दैट कि वी आर नॉट डूइंग, अरे इफ यू आर नॉट डूइंग देन जो आपके पीछे है, जो आपको देख रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। आप समझे, आप समझे। तो देखिए, एक भक्तों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसी से हम क्या पूरा जीवन भक्ति में बने रहेंगे। अपनी यात्रा महाप्रभु जिस किसी के घर प्रसाद ग्रहण करते, वे उस घर के रहने वालों को अपने संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित कर लेते और उन्हें वैसे ही शिक्षा देते जैसे कि कुर्म नामक ब्राह्मण को दी थी। सबको कहते बोलो हरे कृष्ण संकीर्तन करो, और कुछ नहीं। अपनी यात्रा के दौरान महाप्रभु या तो मंदिर में या सड़क के किनारे रात बिताते, मंदिर नहीं मिला तो सड़क के किनारे में, तो संकीर्तन के अंदर हमें तैयार रहना चाहिए, है ना, हर प्रकार का कष्ट सहन करने के लिए, है ना। सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं, अरे ओढ़ने के लिए आकाश है और बिछाने के लिए धरती है, तो चद्दर की कहाँ जरूरत है, गद्दे की कहाँ जरूरत है। भगवान ने हमें दो हाथ दिए तो तकिए की कहाँ जरूरत है, है ना, ऐसा वर्णन करते हैं। तो सड़क मिल गया तो गद्दी मिल गई, पर आकाश है खुला, चद्दर हो गया, और क्या चाहिए, ठीक है नहीं। कहाँ रुकेंगे प्रभु जी, प्रसाद क्या लेंगे, प्लानिंग क्या करेंगे, डब्बे भरेंगे, बोले भगवान के ऊपर छोड़ दो, है ना। प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवत के अंदर, जिस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में बिना मांगे दुख आते हैं, उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी आ ही जाते हैं। उसको सुख के लिए प्रयास करना नहीं चाहिए। जैसे हम दुख के लिए प्रयास नहीं करते फिर भी दुख आता है। अगर व्यक्ति जंगल में बैठा है, उसके नसीब के अंदर खाने को लिखा हुआ है, तो जंगल में भी उसको खाना मिल जाएगा, वहाँ वो कहते हैं। लेकिन अगर उस व्यक्ति के नसीब के अंदर नहीं लिखा है, भाग्य में नहीं लिखा है खाने का, तो उसके सामने बहुत सारे व्यंजन होने के बावजूद भी वो उसको नहीं खा पाएगा, उसको बुखार आ जाएगा, उसको अरुचि हो जाएगी, अपचा हो जाएगा, उसकी इच्छा ही नहीं होगी वो खाना खाए, आप समझे। तो
जैसे हम दुख के लिए प्रयास नहीं करते वैसे सुख के लिए भी प्रयास नहीं करते। जैसे सड़क पे मिले या जहाँ रहे जो ठाकुर जी की इच्छा, राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे के, इसको कहते हैं सरेंडर, शरणागति, है ना, इसको शरणागति कहते हैं। भगवान के ऊपर है बस केवल कृष्ण का नाम। अरे मंदिर मिल गया तो रुक जाएंगे, कोई आश्रम मिला तो ठीक है, वरना सड़क पे रुक जाएंगे, हरि नाम चालू रखेंगे। तो कभी मंदिर में या कभी सड़क के किनारे रात बिताते थे। क्यों बिताते थे? प्रचार के लिए बिताते थे। जब वे किसी व्यक्ति के घर भोजन ग्रहण करते तो वे उसे वही उपदेश देते जो उन्होंने कुर्म ब्राह्मण को दिया था। देखिए सेम एज इट इज, महाप्रभु ने एज इट इज उपदेश दिया, गुरु परंपरा ने भी एज इट इज उपदेश दिया, प्रभुपाद जी ने भी एज इट इज उपदेश दिया, तो हमको भी एज इट इज ही रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? एज इट इज, इसमें मरी मसाला डालने की जरूरत नहीं। बोले प्रभु जी ये थोड़ा क्या है, चलता नहीं है ये, हम क्या करते हैं, कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रचार करते रहते हैं, हरिनाम नहीं चलता है, वो बाद में चलता है, वो हमारी मूर्खता है। सब चलता है, क्यों नहीं चलता है? हाँ क्यों नहीं चलेगा? डोंट ट्राई, हाँ डोंट ट्राई टू चेंज एनीथिंग, डोंट ट्राई टू, तो बात कहते डोंट ट्राई टू मैन्युफैक्चर एनीथिंग, जस्ट सिंपली फॉलो। हाँ महाजनों एन गत सपन्था, जो महाजनों ने किया उनके रास्ते पे केवल हमको चलना है। हाँ हमारी प्रगति, हमारा सफलता सब हमको एक सामने मिलेंगे, है ना। देखें आगे सुनने जैसा है। दक्षिण भारत की यात्रा से जगन्नाथपुरी लौट आने तक महाप्रभु इसी प्रकार प्रचार करते रहे। इस तरह मैंने कुर्म के प्रसंग में महाप्रभु के व्यवहार का विस्तार में वर्णन किया, इसी तरह से आप सारे दक्षिण भारत में महाप्रभु के व्यवहार को जान सकेंगे। इस तरह महाप्रभु एक स्थान में रात भर रहते और प्रातः काल स्नान करके पुनः चले जाते हैं, एक स्थान में एक दिन, फिर दूसरे दिन सुबह निकल जाते। ऐसा नहीं यहाँ बढ़िया फैसिलिटी है तो थोड़ा सेटल हो जाते हैं, दो चार दिन पाँच दिन यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ बढ़िया प्रसाद मिल रहा है ना, बढ़िया रहने का, प्रभु जी इधर सेटल हो जाते हैं, नहीं दूसरे स्थान, मंदिर मिली सड़क मिली जो भी मिला। जब महाप्रभु चले तो कुर्म ब्राह्मण बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे आया, किंतु अंत में महाप्रभु ने उसे घर वापस भेज दिया। वासुदेव नाम का एक अन्य ब्राह्मण था जो एक महान व्यक्ति था, किंतु कोढ़ से वह पीड़ित था, उसका शरीर जीवित कीड़ों से भरा हुआ था। 9 बजे तक करेंगे, अभी 10-12 मिनट करेंगे। तो वासुदेव नाम के ब्राह्मण की भी कथा आती है। महाप्रभु चले, पीछे पीछे वो कुर्म ब्राह्मण भी चला, महाप्रभु आगे जा रहे थे वो गए। उस समय वासुदेव जो ये ब्राह्मण था उसको कोढ़ की बीमारी थी, और वो उसको मैसेज मिला कि महाप्रभु कुर्म के वहाँ पे रुके हुए हैं, है ना। यद्यपि वासुदेव कोढ़ से पीड़ित था किंतु ज्ञानी था, जो ही उसके शरीर से कोई कीड़ा गिर पड़ता तो वह उसे उठाकर पुनः उसे स्थान में रख देता। तो कीड़ा उसके शरीर से गिरता तो वो उसे उठा के फिर रख देता। हमने कभी कीड़े का खोला के मेरा शरीर, हम समझे, हम तो कीड़े को मार देते, मच्छर काटते तो फट करके मच्छर को मार देते, नहीं उसका खोला के काटने दो, सहन नहीं कर सकते तो उड़ा दो, लेकिन मारना नहीं, अहिंसक। हाँ ये तो कितने बड़ा, कौन कैसा कर सकता है कि आपके शरीर में कीड़े पड़े हैं वो नीचे गिर पड़े हैं तो उसको उठा के आप वापस रखते हो। कंपैशन, इसको कहते हैं क्या, कंपैशन, इसको बोलते हैं दया की सीमा, है ना, क्या बोलते हैं दया की सीमा, इससे आगे क्या दया होगी। एक रात को वासुदेव ने महाप्रभु के आगमन की बात सुनी तो वो सुबह कुर्म के घर महाप्रभु का दर्शन करने आया। जब वह कोढ़ी वासुदेव कुर्म के घर आया तो महाप्रभु पहले ही जा चुके थे, यह सुनकर वो वहाँ बेहोश होकर गिर पड़ा। वह कोढ़ी ब्राह्मण वासुदेव का दर्शन न होने पर, महाप्रभु का दर्शन न करने के कारण विलाप कर रहा था। जब वो विलाप कर रहा था तो क्या हुआ, उसी समय महाप्रभु उस स्थान को
वापस लौट आए और उसको सीधा आके आलिंगन किया। अनेक प्रकार विला करीते लगीला से सारे हसी प्रभु तारे आलिंगीला प्रभु स्पर्श से दुख संगे कुष्ठ दूर गेला आनंद सहित सुंदर आईला प्रभु कृपा देखी तार विस्मयल मान शोक पारी पाए धरे समान वो। जब महाप्रभु ने उसका स्पर्श किया तो उसका कोढ़ का बीमारी दूर चला गया और वासुदेव का शरीर अत्यंत सुंदर हो गया, उसको परम सुख की प्राप्ति हुई। वह ब्राह्मण वासुदेव महाप्रभु की अद्भुत कृपा देखकर चकित था और महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श करके श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सुनाने लगा। क्वाहम दरिद्र पापी या क्वय कृष्ण श्री निकेतनम ब्रह्म बंधु रीति स्मा बाहुभ्याम परिदम्भित। उसने कहा मैं कौन हूँ, एक पापी दरिद्र बंधु हूँ, है ना। ये जो वासुदेव थे वो कहा जाता है कि वो सुदामा के क्या थे, अवतार थे। यानी सुदामा ने जो भागवत के अंदर जो श्लोक कहा था कृष्ण से भेंट होने के समय, वही श्लोक अभी ये गा रहे हैं। मैं कौन हूँ, एक पापी दरिद्र ब्रह्म बंधु हूँ और कृष्ण कौन है, छह ईश्वरीय युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, फिर भी उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं में भरकर मेरा आलिंगन किया। इस प्रकार वो चैतन्य महाप्रभु की क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा। आगे कहा हे दामा दयामय प्रभु, ऐसी कृपा सामान्य जीवों में संभव नहीं है, ऐसी कृपा तो केवल आप में ही पाई जा सकती है। पापी व्यक्ति भी मुझे देखकर मेरे शरीर की दुर्गंध से दूर चला जाता था, फिर भी आपने मेरा स्पर्श किया और भगवान का ऐसा व्यवहार स्वतंत्र होता है। उस दिन विनम्र वासुदेव को चिंता थी कि क्या एक चिंता हो गई, शरीर तो ठीक हो गया, सुंदर हो गया, सुशोभित हो गया, उसमें से सुगंध निकलने लगी। पहले तो लोग पापी लोग भी दूर भागते थे, लेकिन अभी तो सुंदर बन गए, तो सुंदर के पीछे तो सुंदर सुंदरी के पीछे तो सब लोग भागते हैं। तो बोले मैं तो सुंदर बन गया, हैंडसम बन गया, हाँ तो अब क्या हो जाएगा, लोग मेरे पीछे पीछे आएंगे, तो उससे क्या होगा, मुझे अहंकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अहंकार। किंतु आछिला भाल अधम हया अबे अहंकार मोरे जन्मी ले आसीबिया। तो महाप्रभु ने कहा महाप्रभु ये सुंदर शरीर तो मेरे अंदर अहंकार क्या करेगा, प्रकट करेगा, इससे अच्छा था कि मेरा जो पुराना शरीर था है ना कोड वाला, ताकि लोग मेरी घृणा करते थे, कोई मेरे पास आते नहीं थे, है ना। अगर आप बहुत सुंदर हैं, सुंदर हैंडसम ब्रह्मचारी है ना एकदम सुंदर कीर्तन करते हैं, और तो क्या होगा, कई माता जी आएंगे, तो बहुत सुंदर कीर्तन, बहुत सारी चीज़ें बताई, वाह वाह वो जी हमें भी थोड़ा सिखाइए, हम आपसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, ठीक है। फिर व्यक्ति धीरे धीरे बेचारा हरी बोल हो जाता है, नहीं। तो भागवत में नारद मुनि बताते हैं कि चार चीज जो है वो भक्ति के लिए बाधा बनती है। कौन सी चार चीज, सबसे पहली सुंदरता, अगर आप बहुत सुंदर हैं तो फिर मुश्किल है आपके लिए भक्ति करना, क्योंकि फिर जिस फूल में ज़्यादा खुशबू होती है, ज़्यादा सुंदर होता है, तो भंवरे और भंवरियाँ उसके आसपास मंडराते रहते हैं, आप समझे। इसलिए अगर आप सुंदर नहीं हो तो ये अच्छी बात है कि आप भक्ति में आपको अड़चन कम आएंगी, आपको अहंकार कम आएगा, देखो मैं तो कितना सुंदर हूँ, आप समझे ना।
फिर अगर आपके पास बहुत धन है, बहुत पैसे वाले, तो भी लोग आसपास घूमेंगे, पैसा चला गया तो कोई नहीं पूछने वाले। कोई पूछता है? अमीर व्यक्ति के आसपास लोग घूमते हैं, गरीब के आसपास कोई नहीं। सुंदर है, बहुत धनी है और बहुत पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट है, साइंटिस्ट है ना, बहुत हाईली एजुकेटेड है, तो उसके लिए भी भक्ति में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं इंजीनियर हूँ, मंदिर का पोछा मारूंगा मैं, मंदिर का पोछा मारने आया था मैं यहाँ पे इस्कॉन में, रोड के ऊपर मैं नाचूंगा गाऊंगा भिखारियों की तरह? आप नो, आई एम IIT, IIM पास आउट। समझे? ये क्या करता है, अहंकार लाता है, उच्च डिग्री। वो भक्ति में भगवान को शरणागति। नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे, वो अपने गुरु लोकनाथ महाराज जी का स्टूल साफ करते थे। क्या साफ करते थे? स्टूल, जहाँ पे लोकनाथ महाराज अपना दैनिक क्रियाविधि खत्म करते थे वो चले जाते थे, वो स्थान पर वो दूसरे दिन आते, उससे पहले नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ जाके पूरा उसका स्टूल जो होता है अपने गुरु का, गुरु बने नहीं, गुरु बनाना चाहते थे, उससे पहले ही सेवा करते थे। सोचिए, राजकुमार इतनी नीच, वो हम तो सोच भी नहीं सकते, है ना। राजकुमार थे, पैसा दे के चार नौकरों को रख देते साफ करने के लिए, भाई साफ कर देना, पैसा दे दूंगा, है कि नहीं? नहीं, खुद साफ करते। राजकुमार होने के बावजूद भी ऐसे निम्न कक्षा की सेवा। तो भगवान के दरबार में पैसा वैसा कुछ नहीं देखा जाता। अरे हमारी औकात क्या है भगवान, यूँ करेंगे पैसा चला जाएगा, यूँ करेंगे तो पैसा आ जाएगा। तो एक गर्व अहंकार लाता है जो भक्ति में बाधा बनता है। तो और उच्च कुल में जन्म है ना, एरिस्टोक्रेट फैमिली में जन्म होना है वो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये चार जो है व्यक्ति के जीवन में अहंकार लाते हैं। इसलिए सुंदरता से दूर रहो, डोंट ट्राई टू बिकम अ मोर हैंडसम एंड ब्यूटीफुल, है ना, वरना प्रॉब्लम होगा। पैसे से दूर रहो वरना अहंकार। फिर नेम फेम से दूर रहो, ठीक है। और अगर है आपके पास तो उसको कृष्ण की सेवा में लगा के फ्री हो जाओ। क्या करो? फ्री हो जाओ। अभी आगे बताएंगे। इसने यहाँ बोला कि आपने मुझे सुंदर बना दिया, वासुदेव ने बोला, बोले अब तो मैं गर्वित हो जाऊँगा। तो महाप्रभु उसका उपाय देते हैं कि तुम गर्वित नहीं होंगे अगर तुम एक कार्य करोगे। तो क्या सुनिए, प्रभु गाहे कबु तो नहावे अभिमान, निरंतर कहतु कृष्ण कृष्ण नाम, कृष्ण उपाधि स्वीकार जीवे निस्तार, अचिरात कृष्ण तो करीबे नीकार। महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को इससे बचाने के लिए उपदेश दिया कि वह निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप करे। ऐसा करने से वह कभी भी व्यर्थ गर्वित नहीं होगा, है ना। अभी सुंदरता है तो क्या करूँ, ब्लेड लेके काटूँ क्या? नहीं, काटना नहीं है। निरंतर क्या करना है? हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है। महाप्रभु ने वासुदेव को यह भी सलाह दी कि वह कृष्ण के विषय में उपदेश दे, हाँ पहले खुद जप करे और लोगों को करवाए, प्रचार भी करे, इस तरह जीवों का उद्धार करे। फलस्वरूप कृष्ण शीघ्र ही उसका अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लेंगे। ऐसा बोलकर महाप्रभु उस स्थान से अदृश्य हो गए। महाप्रभु तो चले गए थे लेकिन यहाँ पे प्रकट हो गए थे, है ना। कैसे हो गए भगवान तो कुछ भी कर सकते। और फिर तुरंत उस स्थान से वो अदृश्य हो गए। तो अब कुर्मा तथा वासुदेव दोनों ब्राह्मण एक दूसरे के गले लगाकर महाप्रभु के दिव्य गुणों का स्मरण करके रोने लगे। इस प्रकार महाप्रभु ने वासुदेव कोटि का उद्धार किया
और उसका वर्णन वासुदेव अमृत प्रदा पड़ा, हाँ उसका वर्णन मैंने किया। ये सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा एक वो क्या है श्लोक लिखा गया है। जो कोई महाप्रभु की इन लीलाओं को श्रद्धापूर्वक सुनेगा, आप लोगों ने श्रद्धापूर्वक सुना हाँ, तो आपको क्या प्राप्त होगा? श्रद्धा करिए लीला एकारे श्रवण अचिराते विलयतारे चैतन्य जाना। जो महाप्रभु की लीलाओं को अत्यंत श्रद्धापूर्वक सुनेगा उसे तुरंत ही उनके चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे। हरि हरि बोल। तो देखिए श्रद्धा का मतलब श्रद्धा से सुनना और हमारे जीवन में उसका पालन भी करना, ठीक है ना। अब कितने लोग हरिनाम संकीर्तन में जाएंगे? कितने लोग ट्रैवलिंग हरिनाम संकीर्तन में जाएंगे महाप्रभु की तरह? अरे प्रभु जी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, अभी तो थोड़ा और श्रद्धा चाहिए, नहीं नहीं। देखिए यही हमारी ना, अरे अभी उठना चाहिए, लाओ मृदंग करताल चलो। प्रभु कितने दो तीन चार जन यहाँ से चलते हैं सीधा कहाँ पे? अयोध्या, राम लल्ला के जितने भी बीच में साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया चलो, है ना। और आपको कोई भी छू नहीं सकता, माया आपको छू नहीं सकती। अगर आप निरंतर हरिनाम करोगे तो कहीं पे कोई भी रुकावट नहीं आएंगे, ठीक है। तो भक्त लोग तैयार हो जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। श्री चैतन्य चरितामृतम की गुरु प्रेमानंदे हरे हरे बोल। हरे कृष्णा, थैंक यू।